बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो जनाब मैं हूँ मौजूद इस करदू में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, और दोबारा वही जो मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है जो कि नंद सुख की तरफ जाता है। यहाँ पे जो मेरा आने का मकसद होता है वो बेसिकली व्यूज़ होते हैं जो कि आपको पता है बहुत आउट क्लास होते हैं। तो आपको दिखाऊँगी, मेरे साथ दो प्यारी सी लड़कियाँ भी हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। स्कूल जा रहे हैं, देखो ये रोज का ट्रैक करते हैं। जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब दिस इज़ द प्लेस, यूजुअली यहाँ पे जहाँ मैं आती हूँ बहुत पसंद है मुझे, और व्यूज़ भी बहुत आला किस्म के होते हैं यहाँ पे। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो पानी कम है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारे नज़ारे हैं, और चेक कराऊँगी मैं आपको, तो रहिएगा साथ।
जनाब आप लोगों को जैसा कि आइडिया है कि मैं तो अकेले ही इन जगहों पे घूमती हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्यारी सी दो लड़कियाँ मिल गई हैं जिनको मैं ननसुख वाले रास्ते पे लेके आई हूँ, और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया ट्रैक, आपने देखी होंगी क्लिप्स। तो एक बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग बंदी है मेरे साथ, और जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो अच्छा होता है अगर आप ऐसे लोगों से मिलें, तो मैं आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ, तो आइए मेरे साथ। तो जनाब ये जो है ना वो दो बहुत ही प्यारी सी लड़कियां मेरे साथ हैं, एक दिया है जो कि ट्रैवलर हैं और खतीजा हैं जो कि बेस्टर हैं, और जिनका जो टाइटल है वो खतीजा दी फाइटर है। तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप फाइटर क्यों हैं और क्या कुछ किया है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मिस्सा फॉर हैविंग मी इन टुडेज व्लॉग। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप ये बताएं कि सबसे पहले आपको स्कर्दू, खास करके ये ट्रैक जहाँ पे हम आए हैं, कैसा लग रहा है? मेरा मिसा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये अप नॉर्थ में, स्कर्दू में स्पेशली। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, स्पेशली व्हेन यू हैव गुड कंपनी, जब आपके जैसे ट्रैवलर साथ हो तो फिर इंसान को और क्या चाहिए। जो मतलब मैंने जो सोचा हुआ था कि वहाँ करूँगी वो मेरी अपनी प्लानिंग थी कि यहाँ यहाँ जा सकती हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगी, कौन किसके साथ जाऊँगी, कौन लेके जाएगा। तो आप लोग सब मज़ा ही बढ़ा रहे हैं, आई थिंक ये जगह एक्सप्लोर करने वाली है। अभी हम जो हाइक करके आए हैं ऊपर, उसमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। ये व्यूज़ काफ़ी प्यारे हैं, लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो उससे कहीं ज़्यादा प्यारा है, तो उसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि आप फाइटर क्यों हैं? थैंक यू सो मच मिसा, असल में हम यहाँ पर आए हुए हैं एक वुमेन एम्पावरमेंट के इवेंट के लिए जो फेलिक्स फाउंडेशन कर रहा है, और मुझे बुलाने का मकसद ये था कि चूंकि मैंने अपना केस भी लड़ा है 4 साल, और एक जो पावरफुल एंटिटी है हमारे मुल्क में जिसको कहते हैं, जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वकील के बेटे को सजा दिलाना, चूंकि उसने कितना बड़ा जुर्म किया था मुझे लाइक प्रॉपर अटैक मेरे ऊपर करके और सारा कुछ, तो उसके बाद जो फाइट थी वो 3 ईयर्स की पूरी स्ट्रगल थी, और वो स्ट्रगल सुप्रीम कोर्ट तक मैं लेकर गई। और इवन तो मैं खुद उस वक्त लॉ स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे साथ एक फोर्स आ गई यंग लॉयर्स की, एक्टिविस्ट की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो उन सब ने जो है मुझे हेल्प किया, अपलिफ्ट किया, और जिससे उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया उस मेरे मुश्किल वक्त में और मुझे इंसाफ दिलाया, उसी तरह मैं अब लॉयर बन के, बैरिस्टर बन के मैं इन लोगों की मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे वो फीमेल्स हों, डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर्स हों, या फिर उनके साथ किसी किस्म का भी जो है ना इंसाफी हो रही हो, तो उनके साथ आवाज़ उठाना, उनके लिए हक के लिए और सच के लिए खड़े होना जो है मैं समझती हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है, और उसको ले के जो है वो आगे चलना, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल आते हैं, चाहे जितने मर्जी लोग कहें कि जी ये वकीलों लड़कियों की कोई जगह नहीं है, आई थिंक हमें अपनी जगह खुद बनानी है अपनी फ्रेटर्निटी में, और प्रैक्टिस करके बनानी है, स्पेशली इन द क्रिमिनल साइड, क्योंकि फैमिली साइड में, कॉर्पोरेट साइड में फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इन द क्रिमिनल साइड आई डोंट हैव अ मेंटर टू लुक अप टू, कि मुझे नहीं, मैं किसी, मैं कोई ऐसा अब शख्स नहीं, आसमा जहांगीर थी ठीक है वो, उनकी भी अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, लेकिन अब कोई भी नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यार एक्टिविज्म में, ह्यूमन राइट्स में या क्रिमिनल लॉ में कोई आगे निकल रहा हो। तो आई थिंक वो जो गैप है वो फिल करना है, और हम औरतों को ही फिल करना है, और लॉयर्स, एक्टिविस्ट, क्योंकि आई थिंक हम सब एक्टिविस्ट हैं, हम आवाज़ उठाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, यू आर अ ट्रैवलर, यू रेज इशूज़ यहाँ पर आके कि जी कूड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है एक तरफ से, हमारी ब्यूटी भी आ जाती है, हमारी एक्टिविज्म भी हो जाती है, और एक तरफ अपना सोसाइटी में अपना एक इंडिविजुअल का जो रोल है वो पूरा करते हैं। तो आई थिंक हम सबको अपना अपना रोल जो है वो पूरा करें, तो हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। बिल्कुल, और आप बिल्कुल पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए, और इतना कुछ कर रही हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के लिए, और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों का साथ मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मिसा, थैंक यू, थैंक यू। कैमरे का लेंस कभी भी साफ़ नहीं होता है। सो गाइस फाइनली वी आर बैक टू ननसुख के रास्ते से हम लोग आ गए होटल, और अभी हम लोग निकल रहे हैं नए डेस्टिनेशन पे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्या है। तो अभी का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और थोड़ा सा हेल्प कर दो चैनल को बढ़ाने में, सही है ना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।